Pranam, welcome to the next session on aptitude CSAT paper 2. ये सारे लेक्चर्स कराने के पीछे एक मकसद है. मैं भी एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ. हालांकि मेरा 12th तक मैथ्स था और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनका बीकॉम करने के बाद भी मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक ही है. ठीक है, तो इसीलिए मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई ये सेशंस लेने में. ये सेशन हमने पहले ही शुरू कर दिया था, बट क्योंकि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गई थी तो ये सेशंस हमने लेना थोड़ा सा पोस्टपोन किया है. ठीक है, अगेन इस सेशन के पहले याद रखिए, आपको हमारे ऐप पर जाना है रामस्य IAS, और उधर CSAT का एक अलग से फोल्डर है स्टडी मटेरियल सेक्शन में, उसमें एक सेशन 6 प्रॉफिट एंड लॉस करके एक शीट रहेगी, वो शीट डाउनलोड कर लेनी है पहले ही. ठीक है, ये सॉरी इसका ख्याल आपको एप्टीट्यूड के हर सेशन में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम थोड़ी सी थियरी पहले डिस्कस करते हैं. ये टॉपिक के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए परसेंटेजेस का जो टॉपिक था वो टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, परसेंटेज कैलकुलेशंस का जो पिछला लेक्चर था, क्योंकि इसमें भी बहुत जगह आपको परसेंटेजेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे फटाफट. प्रॉफिट एंड लॉस पूरा परसेंटेजेस का गेम है. तो ये गेम क्या है समझिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, राइट, और उसको 120 रुपए में बेची, इसको हम S करके डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी और 120 में बेची तो आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपए. वैसे ही कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी और आपने उसको 90 रुपए में बेची तो आपको लॉस हुआ 10 रुपए. ये बेसिक कैलकुलेशन तो सबको पता है. ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं इसमें, एकदम स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं इसमें. P इज द प्रॉफिट, L इज लॉस, S इज सेल प्राइस एंड सेल्स प्राइस एंड C इज कॉस्ट प्राइस. ये इसमें स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं, ये इसमें स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं, इसमें कहीं कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं आएगा. ओके, तो जैसा मैंने बोला पूरा परसेंटेज है गेम का, पूरा गेम है परसेंटेज का. जैसे परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट और लॉस अपॉन कॉस्ट इनटू 100. आपने अगर अकाउंटिंग पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो का जो कैलकुलेशन होता है दैट इज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. तो वो कॉन्सेप्ट आप आपके दिमाग में से निकाल दीजिए, वो कॉन्सेप्ट आप आपके दिमाग में से निकाल दीजिए. व्हेनेवर यू टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस इन एप्टीट्यूड, ओके, एप्टीट्यूड एग्जाम्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस is always calculated on the basis of cost, not on the basis of selling price. चलिए इसको समझते हैं. ठीक है, इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट 20 अपॉन 100 इंटू 100 विच मीन्स 20%, राइट.
इसमें लॉस परसेंटेज कितना होगा, एल वुड बी इक्वल टू 10 अपॉन 100 इंटू 100 विच इज 10%, विच इज 10%, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? ओके, राइट, ये तो सीधा कैलकुलेशन हो गया। तो अगर मैं बोलूं एक्स परचेस्ड समथिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 150, ओके, सोल्ड एट रुपीज 180, केस वन, केस टू, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। तो केस वन में आपको निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, राइट, फॉर्मूला याद रखिए, सेलिंग प्राइस 180, कॉस्ट प्राइस 150, प्रॉफिट इज 30, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, तो ये होगा 30 अपॉन 150 इंटू 100, ये है 1/5, 35 is 150, राइट, ये है 1/5, तो ये ऑटोमेटिकली कितना परसेंट हो जाएगा, 20%, राइट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू 10 अपॉन 100 इंटू 150 विच इज 15। इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है 150, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 15 प्लस 150 विच इज 165। राइट, सो ये है फॉरवर्ड कैलकुलेशन, कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करना। चलो तीसरी चीज भी ले ही लेते हैं, सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये केस में आप क्या करेंगे, लॉस इक्वल टू 15% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो लास्ट लॉस का अमाउंट क्या होगा, 15 अपॉन 100 इंटू 150, ठीक है, ये तो गए, 15 का स्क्वायर कितना है, 225, तो यहां पे आएगा लॉस परसेंटेज इज 22.5%, क्लियर। तो ये हो गए फॉरवर्ड कैलकुलेशन, अब बैकवर्ड कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देख लीजिए, हाउ डू यू डू बैकवर्ड कैलकुलेशंस, बैकवर्ड कैलकुलेशंस मतलब सपोज मैं बोलता हूं एक्स sold something at the at rupees 360, ठीक है, and incurred a loss of 20%, incurred a loss of 20%, 10%, and I ask you, what is the cost price? I ask you,
what is the cost price? Okay, how will you calculate this? Okay, let the cost price be C. Remember, he has sold it at a loss of 20%. That means C minus 20% of C should be equal to 360. Samajh gaye? Kya tha? Cost minus profit equal to loss. Sorry, cost क्या कर रहा हूं मैं? लॉस कैसा कैलकुलेट करते हैं? लॉस के केस में कॉस्ट ज्यादा होती है सी माइनस एस, मतलब एस इक्वल टू सी माइनस एल. ठीक है, एस इक्वल टू सी माइनस एल, हमने वही किया. कॉस्ट माइनस लॉस इक्वल टू 360. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 80 सी अपॉन 100, 10% है ना. 90C upon 100 equal to 360, तो C कितना होगा? 360 into 100 upon 90, ये गया 400. मतलब बात बहुत सीधी है, अगर आपने 10% loss पे बेचा है, इसका मतलब selling price is 90% of the cost. सेलिंग प्राइस इज 90% ऑफ द कॉस्ट. अगर आपने 10% प्रॉफिट पे बेचा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज 110% ऑफ द कॉस्ट. सिंपल चीज है, कोई दिक्कत चाहिए तो आप लिख लीजिए. इन दिस केस एसपी वुड बी इक्वल टू 90% ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट कितनी निकाली? 400. 10% माइनस करो, 400 में का 10% कितना होता है? 40. माइनस करो, बचा कितना? 90%. तो इफ इट्स अ लॉस ऑफ 10%, दैट मींस सेलिंग प्राइस इज 90% ऑफ द कॉस्ट. इफ इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, सिमिलरली इट वुड मीन सेलिंग प्राइस इज 110% ऑफ कॉस्ट. सेलिंग प्राइस इज 110% of cost. I hope this is clear to all of you. ठीक है, no doubts here, I hope. तो ये है basic concept. हमेशा याद रखिए, percentage आपको cost पे ही apply करना है. Profit और loss का percentage cost पे ही apply होगा. तो ये है, cost दिया है आगे के calculation. ये है सेलिंग प्राइस दिया है और पीछे के कैलकुलेशन. ये दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. ओके, ठीक है. अभी इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करते हैं शीट में से. आगे अगर कोई कॉन्सेप्ट, इसमें और दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं वैसे, आगे वो कॉन्सेप्ट्स आएंगे तब हम उनकी बात करेंगे. एकदम से सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आपका माइंड थोड़ा सा टैक्स हो जाएगा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन. आज की जो शीट है उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है. पार्ट ए जो है वो हम क्लास में जितना हो सके उतना करेंगे. पार्ट बी पूरा होम असाइनमेंट है, प्लस पीछे डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी दिए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. ओके, एंड आई थिंक 50 क्वेश्चंस ऑफ दिस शुड बी सफिशियंट प्रैक्टिस फॉर यू. कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको एप्टीट्यूड में कोई और चीज की, किसी और सोर्स की जरूरत ना पड़े. देखते हैं वो हो पाता है या नहीं. मेरे हिसाब से हो जाएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक यू नीड मोर देन 50 क्वेश्चंस. और पिछले सेशन में जैसे मैंने बोला था, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। चलिए, अ लॉस ऑफ 15% गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 20% व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹175। ठीक है, लॉस ऑफ 15% गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट ऑफ 20%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, प्रॉफिट ऑफ 20% मतलब 120C/100 ये सेलिंग प्राइस होगी। प्रॉफिट 20% है मतलब सेलिंग प्राइस 120% ऑफ कॉस्ट होगी। ओके, गेट्स एंड द लॉस ऑफ 15% तो उसमें सेलिंग प्राइस होगी 85C/100 और ये बड़ा रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि ये प्रॉफिट पे बेच, प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस है, ये लॉस का सेलिंग प्राइस है, सो दोनों में से बड़ा तो ये रहेगा और ये दोनों में फर्क कितने का आ रहा है, ₹175 का। दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू 175। आपको बोला है कॉस्ट बताओ, ठीक है, ये तो न्यू डिनोमिनेटर तो सेम है, ये तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 35C/100 इक्वल टू 175, सी वुड बी 175 इंटू 100/35, 35 5 = 175, कॉस्ट आएगी ₹500। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशनल तरीका हो गया सॉल्व करने का, इसका बहुत ही एक्सट्रीम शॉर्टकट है इतना सब। अब एक बार आपको अगर समझ गया तो आप सोच सकते हैं, ये कॉस्ट है, इसके इधर 15% और इसके इधर 20%, मतलब ये दोनों में फर्क कितना हुआ, ये दोनों में फर्क कितना हुआ, ऑब्वियसली 35%, एंड दिस 35% इज 175, सो हाउ मच वुड बी 100%। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, तो यहां ऑप्शन नहीं है, फिर भी हमारा फट से आंसर आ चुका है, फटाक से एकदम। जानबूझ के मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें लिए हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं है, ताकि सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता चल सके। और जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, कैट हो, जो भी आईपीएम हो, जो भी हो, सारों में वो क्वेश्चंस आने लगे हैं कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो सॉल्व करके बताओ, तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर सरप्राइजेस, और कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है। ये समझ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, बाय सेलिंग 20 pence for a rupee अ शॉपकीपर लूजेस 25%। 20 pence for a rupee, एक रुपए में उसने 20 पेन बेचे तो सेलिंग प्राइस पर पेन कितना हुआ, 1/20, बराबर है, सेलिंग प्राइस पर पेन इज 1/20। अ शॉपकीपर लूजेस 25%, तो ये केस में उसको लॉस हुआ है 25%। ठीक है, आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू गेन 25% इन द ट्रांजैक्शन, ही शुड सेल द पेन्स ऑफ हाउ मेनी, शी शुड सेल पेन्स एट द रेट ऑफ हाउ मेनी पेन्स फॉर अ रूपी, तो ही वॉन्ट्स टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, एंड ही इज आस्किंग यू, ही शुड सेल द पेन्स एट रेट ऑफ हाउ मेनी पेन्स फॉर अ रूपी। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, अगर उसको 25% प्रॉफिट चाहिए तो वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एक रुपए में कितने पेन आ सकते हैं, ये सिंपल तरीका है। ठीक है, यहां पे 25% लॉस है, यहां पर 25% लॉस है, मतलब कॉस्ट
मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 75% ऑफ कॉस्ट है, तो कैन आई से 1/20 इज इक्वल टू 75% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट कितना होगा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 20 इंटू 75। ठीक है, 1/15 इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन। 1/20 मतलब 5 पैसे, तो यहां पर एक पेन की कॉस्ट थी 5 पैसे। अब आप बोलोगे यार 2 जीरो ऐड कर लो, क्वेश्चन में 1 रुपी दिया है तो क्या कर सकते हैं, समझ गए, ये आया कॉस्ट। अब आपको प्रॉफिट चाहिए 25%, तो सेलिंग प्राइस शुड बी 125% ऑफ कॉस्ट। सही है, 125% ऑफ कॉस्ट। ओके, देखते हैं, 5 3 15, 5 2 10, 5 25 1 4, तो सेलिंग प्राइस पर पेन फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 25% शुड बी 1/12। तो 1 रुपए में कितने पेन बेच पाएगा, 12। दिस इज सेलिंग प्राइस पर पेन इनटू नंबर ऑफ पेन्स शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि उसने पूछा 1 रुपए में कितने पेन बेच पाएगा। तो यहां पे अगर 1 चाहिए तो मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल से ही करोगे ना आप, तो नंबर ऑफ पेन्स कितने आ गए, 12। ठीक है, ओके, कुछ भी समझा नहीं तो आप पॉज कीजिए, रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिए, पीछे जाके फिर से एक बार देख लीजिए। वैसे भी आई एम गोइंग वेरी स्लोली बिकॉज टारगेट सी सैट के बच्चे, सॉरी बच्चे नहीं बोलना चाहिए, सी सैट के एस्पिरेंट्स हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझना पड़ेगा तीसरे क्वेश्चन के पहले। मैं फिर से 14-10-15 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा बिकॉज ये सेशंस आई वुड आइडियली नॉट लाइक टू एंगेज यू फॉर मोर देन एन आवर और 1.5 आवर। याद रखिएगा क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको 200 में से 66 नंबर लाने हैं। मुझे तो लगता है वो वैसे ही आ जाएगा, बट आप लोग बहुत टेंशन लेते हो मैच 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 का, इसलिए मैं करा रहा हूं। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, यू ऑलरेडी वुड हैव रेड सो मच कि आप इंग्लिश में ही उतना तोड़ लोगे, उतने नंबर ला लोगे, बट आप लोगों को वो फोबिया रहता है कि नहीं, तो इसलिए मैं ले रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं। By selling 40 apples, Ram gains the selling price of 10 apples. The profit percent is. Concept अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन फिलहाल भूल जाइए। सपोज आई से सेलिंग प्राइस ऑफ 80 एपल्स इक्वल्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 एपल्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 एपल्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 एपल्स। सबसे पहले बताइए इसमें प्रॉफिट है या लॉस है, लिख के रखिए। अस्सी बेच के 60 का कॉस्ट निकला है, सीधा सीधी बात है लॉस है इसमें। 80 बेच के 80 से ज्यादा का कॉस्ट अगर आप निकाल पाओ तो प्रॉफिट है ना बॉस, समझ गए। इफ बाय सेलिंग 80
आई रिकवर समथिंग मोर देन द कॉस्ट ऑफ 80. प्रॉफिट ब्रेक इवन के लिए इतना तो होना ही चाहिए. राइट. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 60 इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80? कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80? सीधी बात. ठीक है, तो इधर लॉस होना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं आपको, सबसे पहले ये बताइए. अगर मैं इसको सीपी ऑफ 100 अगर कर दूं कि 80 बेच के आपने 100 का कॉस्ट रिकवर कर लिया, अभी 20 आपके पास और बाकी है, तो प्रॉफिट हुआ ना. राइट. तो ये है प्रॉफिट की सिचुएशन, ये है सेल्स की सिचुएशन, सॉरी ये है लॉस की सिचुएशन. अब आपसे सवाल ये है कि परसेंटेज प्रॉफिट ये केस में और परसेंटेज लॉस ये केस में क्या है. बहुत ही सिंपल है. लॉस परसेंटेज इज 1 माइनस लोअर क्वांटिटी अपॉन हायर क्वांटिटी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 60 अपॉन 80 विच इज 3/4. तो दिस शुड बी इक्वल टू 1/4, 25%. खत्म. ठीक है, प्रॉफिट में याद रखिए, प्रॉफिट परसेंटेज इज हायर क्वांटिटी अपॉन लोअर क्वांटिटी माइनस 1. मतलब 100 अपॉन 80 माइनस 1, इसी को मैं 5/4 करके भी लिख सकता हूं. 5/4 माइनस 1 इज 1/4 विच इज 25%. फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला आप कहीं नोट करके रख लीजिए. अब ये फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं. ओके, लेट अस डिराइव दिस फॉर्मूला फर्स्ट. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बी इक्वल टू 1. राइट. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट, 1 एप्पल, मैंगो, वॉट एवर इट इज, लेट इट बी इक्वल टू 1. ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 वुड बी इक्वल टू 60. ओके, बट दिस शुड बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80. बराबर है, ये वाला केस देख रहे हैं हम. राइट. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कितना आएगा, 60 अपॉन 80 आ गया 3/4. राइट. लॉस परसेंट इक्वल्स लॉस अपॉन कॉस्ट इनटू 100. एक रुपए में खरीदा, 75 पैसे में बेचा, 3/4 is 0.75, तो लॉस हुआ 25 पैसा, मतलब 1/4. सो लॉस इज 1/4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100. इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आया 25%. ठीक है, अब ये लॉस कैसे आया, कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब 1 माइनस 3/4.
मतलब 60/80, ठीक है, ऐसा लॉस का डिराइव होता है। चलो प्रॉफिट का डिराइव करते हैं, फिर से शुरू वैसे ही करेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बी इक्वल टू वन, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 वुड बी इक्वल टू 100, ठीक है, विच वुड बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वुड बी 100/80 विच इज 5/4। प्रॉफिट कितना है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 5/4 - 1। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन आया, तुरंत सोच लेना भैया लॉस है या प्रॉफिट है, ये दोनों फॉर्मूला रट्टा मार लो। तुरंत सोच लेना कि भाई साहब लॉस है या प्रॉफिट है, और जो भी है सीधा फॉर्मूला लगा देना, वो सोच से ही होनी चाहिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन 3, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ तो वापस जाइए और पूरा एक बार देख लीजिए। अब हम क्योंकि क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, उसमें लैंग्वेज बदल दिया है। क्वेश्चन 3 सेज बाय सेलिंग 40 एप्पल्स राम गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स, विच मीन्स, रिमेंबर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, विच मीन्स सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां सी लेके गया तो पी प्लस सी हो जाएगा, पी प्लस लिखो सी प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाय सेलिंग 40 एप्पल्स, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 40 एप्पल्स, राम गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स, मतलब उसका प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। ओके, तो यहां पे कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 एप्पल्स, सीधी बात है। मतलब आपका इक्वेशन में भी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 अगर इधर गया तो एसपी ऑफ 30 इक्वल्स सीपी ऑफ 40, एसपी ऑफ 30 इक्वल्स सीपी ऑफ 40, ये आपका स्ट्रेट फॉर्मूला हो चुका है। राइट, प्रॉफिट है हायर क्वांटिटी अपॉन लोअर क्वांटिटी -1। तो ये आया 4/3 - 1 विच इक्वल टू 1/3। 1/3 मतलब कितना परसेंट होता है, 33.33, दैट इज द आंसर। कॉन्सेप्ट समझ गया आपको? ओके, ठीक है, क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। अभी मैं बोला मैं 10-15 ही सॉल्व करूंगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम हमारा दिमाग लगाएंगे और देखेंगे भैया क्या हो रहा है। अ सेल्समैन सोल्ड 2 टॉयज एट 200 ईच, ठीक है, T1, T2, दोनों का सेल प्राइस सेम है,
at 200 each. If his profit on one was 33.33, तो यहां प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 33 1/3 एंड ऑन द अदर लॉस ऑन द अदर वॉज 20%. तो यहां 20% क्या है लॉस है. प्रॉफिट ऑफ 33% मतलब एसपी इज 133 1/3% ऑफ कॉस्ट. ठीक है. एंड लॉस ऑफ 20% मतलब एसपी इक्वल्स 80% ऑफ कॉस्ट. ठीक है, समझ गया ना, ये हमने पहले डिस्कस किया है, राइट. तो मैं यहां लिखूंगा 200 इक्वल टू 133 1/3, ये कितना होता है 399, 400/3, 400/3 इंटू 100 परसेंट है ना इंटू सी. और क्या यहां क्या लिखूंगा 200 इक्वल्स 80/100 इंटू सी. सीधी बात हो गई. अब दोनों के कॉस्ट आ जाएंगे कैसे. इसका कॉस्ट क्या रहेगा 200 इंटू 300 अपॉन 400. 200 टूस ये आया 150. चेक कर लो भैया 150 पे 33.33% इज 1/3. तो कॉस्ट अगर 150 है प्रॉफिट 33 1/3 है मतलब प्रॉफिट इसका एक तिहाई है. 150 + 50 = 200 एकदम परफेक्ट आ गया. ठीक है. अब यहां पर सी क्या आएगा 200 इंटू 100 अपॉन 80. जीरो गया जीरो गया. 2 10 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 25 जा. तो यहां कॉस्ट आया मेरा 250. 250 का 10% कितना होता है 25. 20% कितना होगा 50. 250 में से 50 का लॉस माइनस करो बराबर आ गया. अब मुझसे पूछा क्या है ऑन द होल ही गेन्स और लूसेस और नाइदर गेन नॉर लॉस. ठीक है. टोटल पैसे उसके पास आए 400 रुपए. टोटल खर्चा उसका हुआ 150 + 250 = 400 रुपए. तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे इट्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे इट्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. क्लियर है सबको. कोई भी दिक्कत इसमें. इसमें एक वेरिएशन है. अच्छा क्वेश्चन 5 और 6 में छोड़ रहा हूं आपके लिए क्योंकि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का 5 और 6 टाइप का. तो 5 और 6 होमवर्क छोड़ दे रहा हूं मैं. 7 अच्छा वो फॉर्मूला जो मैंने बोला था वो फॉर्मूला लगता है जब परसेंटेजेस सेम हो. तो ये केस में वैसे भी फॉर्मूला लगने वाला था नहीं. और फॉर्मूला की चिंता मत कीजिए आगे कुछ सवाल आएंगे तो हम करेंगे. आपको बस ध्यान रखना है कि यहां पे अगर कॉस्ट रही और दोनों परसेंटेज सेम रहे तो इट्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. सिंपल. आई विल रिपीट. इफ टू कमोडिटीज आर बॉट एट द सेम प्राइस. इफ टू कमोडिटीज आर बॉट एट द सेम प्राइस एंड वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% द अदर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%.
अब ये 20% 20% जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो सेम कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हो ना, तो इक्वली होगा ना, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, खत्म, नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा. अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल ऑल आर्टिकल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% बट इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बाय 30%. राइट, तो सपोज पहले 100 था, 30% से बढ़ाया, 130 हुआ, इसके ऊपर डिस्काउंट दिया 20%, है ना, डिस्काउंट है ना, इसके ऊपर डिस्काउंट दिया 20%, मतलब 26 रुपए डिस्काउंट दिया, बेचा 104 पे, ओवरऑल प्रॉफिट आया 4%, ऑप्शन बी. सिंपल क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. आप लोग सोच रहे कि इतना फास्ट कैसे हो गया, प्लीज बी इन सिंक विथ व्हाट्स हैपनिंग, या आगे पीछे मत होइए सेशन के. राइट, चलो आगे देखते हैं. इफ एन आइटम इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 20% लॉस, द सेलर गेट 7.8 मोर. ठीक है, कॉस्ट यहां है, यहां पे 10% लॉस और यहां पे 10% प्रॉफिट, और ये दोनों के बीच में अंतर है 7.80 रुपए. समझे, पहले हमने क्वेश्चन वन हमने जिस तरह से किया था उसी टाइप का है ये. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, भैया ये 20% हुआ, कॉस्ट माइनस 10%, कॉस्ट प्लस 10%, टोटल डिफरेंस 20%, विच इज 7.8. ये आ गया इसका कॉस्ट. ऑप्शन ए. यार 20% इतना है, 100% निकालना है तो इनटू 5 कर दो ना, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है बाय गॉड की कसम. समझ गए आप लोग, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. The cost price of two bikes is the same. बोला मैंने ऐसा सवाल आएगा आगे. The cost price of two bikes is the same. One is sold at 20% profit and the other for ₹4,800 more than the first. मतलब दोनों प्रॉफिट पे ही बेचा है, दोनों प्रॉफिट पे ही बेचा है, ये समझ गया क्या आपको, ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिट उसका 25% आया है. तो इसको एक लंबे चौड़े मेथड से हम पहले करते हैं. सपोज कॉस्ट है सी, सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बाइक वुड बी इक्वल टू 120. कुछ कुछ एंगल से मेरे को ही नहीं दिखता बोर्ड पे क्या लिखा है, 120 अपॉन 100 इंटू सी, मतलब 6/5 सी. द सेकेंड इज सोल्ड फॉर 4,800 मोर देन द फर्स्ट. So selling price of the second would be equal to 6/5 C plus 4,800. ठीक है, मैकेनिकल है पूरा, कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा, मैं सिर्फ मैकेनिकल है. टोटल सेल वुड बी इक्वल टू व्हाट, SP1 प्लस SP2
विच इज 6/5c प्लस 6/5c प्लस 4800 बराबर टोटल कॉस्ट वुड बी इक्वल टू सी प्लस सी ठीक है ओके तो टोटल सेल मेरा कितना हुआ 6/5 प्लस 6/5 ये सीधा हो गया 12/5c प्लस 4800 मेरा कॉस्ट कितना हुआ 2c मेरा प्रॉफिट कितना हुआ दिस माइनस 2c तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज हुआ इनटू 100 इक्वल टू 25 समझ गया बड़ा बड़ा इक्वेशन करके डरिए मत कुछ भी नहीं है इसमें इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाना चाहिए चलिए मैं ही सॉल्व करता हूं इसको ये मैंने बहुत लंबा मेथड लिया एक बहुत ही आसान मेथड है बताता हूं मैं पहले लंबा मेथड बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार फिर टपक से छोटा मेथड बताऊंगा तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है ना तो 12c प्लस 24,000 प्लस सॉरी माइनस 10c अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2c बराबर है तो 12c माइनस 10c हो गया 2c दिस इक्वल टू 2c प्लस 24,000 ये 2c आखिरी प्लेस में है तो इसको ऊपर लेके जाऊं करते रहो राइट लेकिन आसान तरीका बताऊं सॉल्व करोगे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आपको डिटेल सॉल्यूशन में दिया भी है कैसे सॉल्व करना एक पे 20% प्रॉफिट है दूसरे पे 25 है तो तीसरे पे 30 होगा ना यार ओवरऑल 25 है तो ओवरऑल 25 है ना और कॉस्ट सेम है दोनों को अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन पे बेचा है और ये 20% और 30% कॉस्ट सेम है तो सेम बेस पे ही कैलकुलेट हो रहा है एक को मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा राइट दूसरे को मैंने कितने पे भी बेचा हो ओवरऑल प्रॉफिट 25% आ रहा मतलब इसको 30% पे बेचा ना यार तो ये 10% मेरा है 4800 तो कॉस्ट आएगा 48,000 खेल का था ऑप्शन वन ठीक है रुको ठीक है एक मिनट पहली मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी एक मैंने बेचा 20% प्रॉफिट पे मैंने दो चीजें खरीदी ठीक है पहली मैंने बेची 20% प्रॉफिट पे 120 पे बेची दूसरी मैंने बेची 30% प्रॉफिट पे 130 पे बेची दिस इज 20% प्रॉफिट
एंड दिस इज 30% प्रॉफिट, बराबर है। टोटल पैसे आए 250, टोटल कॉस्ट हुआ 200, फायदा हुआ 50, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 50/200 × 100, मतलब 1/4 × 100, मतलब 25%। हेंस प्रूव्ड। ये क्यों कर पाया मैं? क्योंकि दोनों परसेंटेज में सेम बेस पे कैलकुलेट कर रहा हूं, और जब उसने बोला कि कॉस्ट सेम है तो ये बहुत क्लियर हो गया कि ये दोनों का बेस सेम ही होगा। क्या बोलती पब्लिक? गली बॉय स्टाइल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिफर बाय 360, प्रॉफिट परसेंटेज इज 20, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? मतलब 360 इज 20% ऑफ कॉस्ट। अब फटाफट जम जाएगा, कॉस्ट वुड बी 360 × 5, 1800। क्या पूछे आपको? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 20% प्रॉफिट जोड़ लो, 2160। ऑप्शन डी। इजी है ना? तीन तरह के लोग होंगे अभी जो सेशन देख रहे हैं। एक टाइप के लोग, टाइप ए, हाँ समझ गया। टाइप बी, क्या पढ़ा रहा भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और टाइप सी, मेरे को समझ में आया कि नहीं, मेरे को यही समझ में नहीं आया। तो टाइप ए, आई एम वेरी हैप्पी। टाइप बी, थोड़ी मेहनत कर लो, हो जाएगा। टाइप सी, तुम लोग कुछ नहीं हो सकता। मस्ती कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, मेरा आंसर भी आ गया वैसे तो पढ़ के। फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहे हो? बस ये पहला पेज सॉल्व करो, फिर मैं छोड़ दूंगा क्लास, बाकी आप करना। दिक्कत रही तो ये सेशन यूट्यूब पे तो नीचे कमेंट में लिख लेना, अगर सेशन में कोई दिक्कत है तो, कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं एडेंडम एक जूम सेशन ले लूंगा, जितने लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन 11, मैं अपने तरीके से सॉल्व करूं क्या इसको? एक मिनट। हाँ ऑप्शन बी, इज्जत रख ले रे बाबा। यस, का किया मैंने? ये इतना फास्ट होता है, इतना चिल्लर है ये सब। चलिए मैं अभी समझाता हूं कि मैंने जादू क्या किया इधर। व्हाट इज द जादू दैट आई हैव डन? अ डीलर सोल्ड 2/3 ऑफ हिज जेम्स
एट 20% प्रॉफिट। कितना बचा होगा? 1/3। ये उसने कॉस्ट पे बेचा, मतलब 0% प्रॉफिट। ठीक है, ये क्वांटिटीज का रेशियो क्या हो गया बताइए? 2:1। याद रखिए ये 20% है और ये 0% प्रॉफिट है। अब मुझे बताइए आपने कितने परसेंट प्रॉफिट पे ज्यादा सामान बेचा है? 20% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक्चुअल ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 20 के पास ज्यादा पास होगा या 0 के ज्यादा पास होगा? 20 के ज्यादा पास होगा ना बॉस। क्यों? क्योंकि आपने 0% पे जितनी क्वांटिटी बेची है उसका डबल आपने 20% पे बेचा है, राइट? तो ओवरऑल प्रॉफिट में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज इससे पास रहेगा और इससे दूर रहेगा। ठीक है, ये रेशियो को रिवर्स मारो आप 2:1 को। अब एक ऐसा नंबर बताओ जो यहां से जितना दूर है उसका डबल दूर यहां से है। एक ऐसा नंबर बताओ जो यहां से जितना दूर है उसका डबल दूर यहां से है। सिंपल। यहां से 6.62/3 दूर है और यहां से 13:1/3 दूर है। एग्जैक्टली 1:2 आ गया। खत्म। बहुत सिंपल सी चीज है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मिक्सचर्स का है। हम जब मिक्सचर्स का लेक्चर पढ़ेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये शॉर्टकट सॉल्यूशन है। डिटेल सॉल्यूशन पीछे दिया है, अब देख लीजिएगा। 12 छोड़ दो, 13th ट्राई करते हैं। 12th मतलब आप कर लेना, छोड़ दो मतलब आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं हम अभी। 1/5 ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, 1/4 इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, रेस्ट एट 20% प्रॉफिट। इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹94 इज अर्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। क्वेश्चन अनक्लियर है। वैल्यू ऑफ द कमोडिटी कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस है, ये नहीं बताया। ठीक है, ओके। वन फिफ्थ 20% प्रॉफिट, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग बोला है क्या? नहीं, 1/4 ऑफ द ओवरऑल 30% प्रॉफिट। बचेगा कितना? लेट अस सी। टोटल क्वांटिटी अगर 1 है, -1/5 -1/4 बराबर है। इनका एलसीएम आता है 20, तो ये आएगा 20 -4 -5 मतलब 11/20। दिस इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक लेवल तक ले जाता हूं, अभी देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं इसको। ओके, अब मैं ये फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है, ये टेक्निक, तो मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको 4/20 करके लिख सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या इसको 5/20 करके लिख सकता हूं?
बिल्कुल लिख सकता हूं, ये 11/20 ही है। तो मेरा क्वांटिटीज का रेशियो क्या आ गया, 4:5:11। ठीक है, तो टोटल अगर 20 है, 20 यूनिट है, 20 कैसे आया, 4+5 9+11 20। 20 में से 4 यूनिट बेचा हूं 20% प्रॉफिट पे, 5 यूनिट बेचा हूं 30% प्रॉफिट पे, और 11 यूनिट बेचा हूं 20% प्रॉफिट पे। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन का लॉजिक है, राइट? अब इसमें उसने वैल्यू ऑफ कमोडिटी मतलब सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पूछी है, उसके हिसाब से ये इसका सॉल्यूशन अब वेरी करेगा। व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आइटम? वी आर ऑन क्वेश्चन 14, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आइटम कॉस्टिंग हिम 174 टू गेन 25% आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। एक झटके में इसको सॉल्व कर देते हैं। आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, 174। कितना प्रॉफिट कमाना है उसको, 25%, तो उसको सेलिंग प्राइस कितनी चाहिए, 125/100 × 174, बराबर है? लेकिन ये उसको चाहिए 25% डिस्काउंट पर। अब आप देखिए, कोई भी स्टोर में अगर आप जाते हैं, राइट, तो वो कमोडिटी पे, वो चीज पे जो प्रिंटेड प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस है, उसको बोला जाता है मार्क्ड प्राइस, उसको बोला जाता है मार्क्ड प्राइस। एंड रिमेंबर, डिस्काउंट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ द मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ द मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट इज नेवर अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो ये मार्क्ड प्राइस पे उसने 25% डिस्काउंट दिया है ना, हाँ, तो 25% डिस्काउंट बोला मतलब वो 25% मार्क्ड प्राइस पे है। मार्क्ड प्राइस पे 25% डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस आई, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ये प्राइस मार्क प्राइस का 75% है? इस पे 25% कम करो तो ये आया, मतलब ये 75% हुआ ना। और मुझे पूछा क्या गया है, मार्क प्राइस, ठीक है, अपॉन 75 × 100, ये गया 25 × 3 25 5 5 3 5 8 38 × 5 190। है क्या गड़बड़ करी मैंने, 174 ही था ना, हाँ, ट्वेंटी फाइव फाइव 175 ट्वेंटी फाइव थ्री 75 3 174 डिवाइडेड बाई 3 इज 38 38 × 5 190। ऑप्शन नंबर बी गलत है, 190 होना चाहिए, कंफर्म कर लूँ मैं, एक मिनट, अरे सॉल्व गलत किया है पीछे, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इतना आया, MR2PX आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट X × 0.75। सॉल्व बराबर किया उसने, 190 का 290 लिखा है, तो 14th में ऑप्शन बी शुड बी 190, राइट? तो ये है
प्रॉफिट एंड लॉस की थियरी और कुछ एग्जाम्पल्स, राइट। आराम से एक बार शीट, बाकी शीट सॉल्व करने के पहले हमने जो भी डिस्कस किया है, आपने रजिस्टर में जो भी लिखा है, वो एक बार बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, पहले 14 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो कर लीजिए, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। रिमेंबर, मैंने 50 में से अभी 14 ही क्वेश्चंस किए हैं, 14 भी नहीं, मैंने शायद 10 या 11 किए हैं, तो आपके पास आराम से 30-35 से ज्यादा क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। कोई भी डाउट आया आप रिमेंबर YouTube पे ये वीडियो जाएगा, उसके एक हफ्ते के अंदर डाउट्स आप भेज दीजिएगा, आप ऐप पे भी भेज सकते हैं, विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स इन विच एवर वे इट इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज का लेक्चर सुनने के लिए, आई होप ये लेक्चर्स आपको कुछ हेल्पफुल लग रहे हैं, ओके, प्रणाम।